पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रहनुमा खोसा इत्तेहाद के सदर हाजी मीर निसार खान खोसा ने कहा है कि सिंध के इलाके जामशोरों में पुलिस की जानिब से खोसा अकवाम के बेगुनाह अफराद पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर पुलिस ने अपना रवैया ना बदला और SSP जामशोरों और उसके SHO को तब्दील ना किया गया तो पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी कॉल देकर तमाम मरकजी शाहराहों को बंद किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए किया और कहा कि खोसा कौम शरीफ और मुल्की वफादार कौम है जिसने हमेशा से ही मुल्क के झंडे तले रहकर मुल्क की सलामती और कौम की खिदमत के लिए काम करता रहा, मगर चंद नादार अफराद ने खोसा कौम को कमज़ोर समझकर उसके अफराद पर वक्तन फवक्तन अपना वार करते आ रहे हैं। मगर खोसा कौम शरीफ ज़रूर है मगर कमज़ोर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सिंध के इलाके जामशोरों में खोसा कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले बेगुनाह अफराद पर SSP जामशोरों और उसके SHO ने जुल्म के पहाड़ तोड़कर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर झूठे मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया है। हम उनकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और SSP जामशोरों को मुतनवा करते हैं कि खोसा कबीले के अफराद बेगुनाह हैं, उन्हें झूठे मुकदमात में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि खोसा कबीले के बेगुनाह अफराद के खिलाफ कायम मुकदमात को फौरी तौर पर ख़त्म करके रिहाना किया गया तो पूरे पाकिस्तान में कॉल देकर पूरे पाकिस्तान की मेन कौमी शाहराहों को ब्लॉक करके बंद किया जाएगा। उन्होंने वज़ीर आला सिंध और IG पुलिस सिंध से मुतालबा किया है कि SSP जामशोरों और SHO को फौरी तब्दील करके एक इंक्वायरी कमीशन बनाई जाए ताकि खोसा कबीले के बेगुनाह अफराद को इंसाफ मिल सके।